आकाश आनंद के ट्वीट से गठबंधन का सपना हुआ धाराशाही, कांग्रेस और सपा पर हुए हमलावर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि गौरतलब है, पूरे भारत के अंदर में लोकसभा के होने वाले 2024 के जो चुनाव है, ये बहुत ही निर्णायक साबित होने वाले है। और इन चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां कमर कस चुकी है, अपने राजनीतिक दावपेच को लेकर चुनावी मैदान में नजर आ रही है। सबसे खास बात करेंगे, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर में अखिलेश यादव की बात हो, या फिर बिहार के अंदर में नीतीश कुमार की बात हो, या फिर पश्चिम बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी की, ये तमाम जो क्षेत्रीय दल है, ये तमाम क्षेत्रीय दल एक महान गठबंधन कर एक तीसरा मोर्चा खड़ा करने की फिराक में नजर आ रहे हैं। बात करेंगे नीतीश कुमार की या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की, इनकी लगातार हो रही मुलाकातों के सामने से ये समझ में आ रहा है कि हाल ही में जो कर्नाटक से कांग्रेस को लेकर जो निर्णायक परिणाम निकल कर आए हैं, और जिस प्रकार कांग्रेस की जो ताकत है ये कर्नाटक के अंदर में मजबूत होते हुए नजर आ रही है, और कर्नाटक के अंदर में जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार बनते हुए नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अब तमाम जो विपक्षी पार्टियां ये जुट चुकी है। ऐसे में तीसरा मोर्चा और महागठबंधन बनाने के लिए तमाम जो पार्टियां है वो लगी हुई है। ऐसे में खास तौर पर कांग्रेस के तरफ में अखिलेश यादव हो, या पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो, या नीतीश कुमार हो, ये तमाम जो लोग हैं, ये तमाम बड़े नेता का इनके कांग्रेस के तरफ का रुख ये नरम होता हुआ इनका कहने के नजर आ रहा है। और ऐसे में लगातार मीडिया के माध्यम से जो सुर्खियां बटोरी जा रही है, और लगातार मेन स्ट्रीम का मीडिया ये बातें बार बार इस चीज को उजागर कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिस प्रकार तीसरा मोर्चा महागठबंधन को बनाने की बड़ी तैयारी में तमाम विपक्षी पार्टियां ये जुट चुकी है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो है ये भी इस महागठबंधन का हिस्सा होने वाली है, और साथ ही साथ इस महागठबंधन में शामिल होगी। तमाम तरीके की जो बातें निकल कर आ रही है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया है, और ये ट्वीट उस समय में आया है जब अखिलेश यादव का ये कांग्रेस के तरफ में गठबंधन को लेकर बयान आया है। जो ट्वीट क्या है, आखिर आकाश आनंद ने कौन सी ऐसी बड़ी बात की कह दी जिस पर लेकर लगातार सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक सुर्खियां बनी हुई है, लगातार लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि आकाश आनंद का ये जो ट्वीट है, ये निर्णायक साबित हो रहा है कि आने वाले इस महागठबंधन में बहुजन समाज पार्टी की किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं वो ट्वीट क्या है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के हालत हुए बदहाल, न शिक्षक न बिजली पानी, इमारत भी है बेहाल। और इसके साथ साथ आकाश आनंद ने खास तौर पर पूरे राजस्थान की जो शिक्षा व्यवस्था है इसको पर्दाफाश करने की कोशिश की है, और तमाम आंकड़ों के साथ में उन्होंने ट्वीट किया है। मैं आंकड़े आपसे रूबरू करवाना चाहूंगा, उसके बाद में आप समझ पाएंगे कि जिस प्रकार राजस्थान के अंदर में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, इसमें शिक्षा नीति को लेकर और शिक्षा को लेकर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, या फिर उसकी हालत असल मायने में कैसी है। 7,560 स्कूलों में एक एक शिक्षक, 1,019 स्कूलों में सिर्फ एक क्लासरूम, 1.36 लाख शिक्षकों के पद खाली, 10 साल में 29 लाख विद्यार्थी बढ़े पर 13,000 स्कूलें बंद हुए, 12,093 स्कूलों में बिजली नहीं, 4,490 स्कूलों में पेयजल सुविधा नहीं, 21,262 स्कूलों में मैदान नहीं, 12,077 स्कूलों में टॉयलेट नहीं। तो आपने देखा कि जिस प्रकार राजस्थान की पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर आकाश आनंद इन्होंने बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं, और इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम इन आंकड़ों से रूबरू करवा दिया है पूरे देश की जनता, और खास तौर पर राजस्थान की तमाम जनता को, कि कांग्रेस की सरकार किस प्रकार शिक्षा के ऊपर में विशेष ध्यान दे रही है, और किस प्रकार तमाम नीतियों को लेकर वो राजस्थान के अंदर में अपनी सरकार चला रही है। तो तमाम ये आंकड़ों से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार पर आकाश आनंद इन्होंने तीखा निशाना बोला है, और जिस प्रकार ये बयान आया है, बयान उस समय का है जब हाल ही में अखिलेश यादव ने इन्होंने कांग्रेस को लेकर नरम अपना मिजाज दिखाया था, और उसके बाद में आकाश आनंद इन्होंने इस प्रकार जो ट्वीट किया है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि जिस प्रकार कांग्रेस को लेकर ये बहुजन समाज पार्टी अगर तीखा निशाना बोलती है, और बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार तमाम राजस्थान की जनता को कांग्रेस की सरकार की नीतियों का पर्दाफाश करने के यहाँ पर फिराक में नजर आती है, ऐसे में गठबंधन जैसा जो सवाल ये कहने के
पूरी तरीके से यहाँ पर खारिज हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये भी समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जिस प्रकार तीसरा मोर्चा और महागठबंधन को बनाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां जुटी है, इसमें बहुजन समाज पार्टी की भागीदारी हाल ही में नजर नहीं आती। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह समझ में आती है कि जब भी गठबंधन की बात होती है तो इस गठबंधन का जो निर्णय बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके दिशा निर्देश और इनके माध्यम से लिया जाता है। और आकाश आनंद ने जिस प्रकार जो इशारा यहां पर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अभी स्वतंत्र रूप से स्वयं ही अपने दम पर ही चुनाव लड़ने के लिए यहां पर सक्षम है और आने वाला समय ही बताएगा लोकसभा 2024 में क्या आखिर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करती है या नहीं। मीडिया के माध्यम से लगातार ये सवाल या निशान उठाए जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी आखिर गठबंधन करेगी या फिर नहीं करेगी, इसका गठबंधन का आखिर बहुजन समाज पार्टी को फायदा होगा या नहीं होगा, यह तमाम बड़े सवाल मीडिया के माध्यम से उठाए जा रहे हैं। लेकिन असल में इन तमाम सवालों का जवाब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके निर्णय के बाद में ही कहा जा सकता है। इस तमाम तरीके के इस पर्दाफाश किए हुए ट्वीट के माध्यम से क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिस प्रकार तीसरा मोर्चा और तीसरा महागठबंधन खड़ा करने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां जुटी हुई है, इसको लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।